आप भी अगर फ्रेंड्स इस टाइप का कुछ एडिटिंग सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को फुल देखो। एचडी क्वालिटी में फेस स्मूथ और एचडी क्वालिटी में बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो इस वीडियो को फुल देखो, बहुत ही आसानी से इस टाइप का एडिटिंग सीख जाओगे। क्योंकि हमारे चैनल पर वो सबसे अलग और सबसे आसानी तरीका से एडिटिंग सिखाया जाता है ताकि आप भी अपने फोटो को बढ़िया तरह से एडिटिंग कर सको। तो बस वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखना, बहुत ही आसानी से इस टाइप का एडिटिंग सीख जाओगे। तो चलिए बिना टाइम पास किए वीडियो करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं हो तो एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन करना ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स मेरी जान, अब वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग भी हो सकता है तो बस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, बहुत ही आसानी से इस टाइप का एडिटिंग होता है सीख जाओगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको सिंपली पिक्सआर्ट ओपन करना है एंड प्लस का ऑप्शन को सिलेक्ट करके, एंड आपको क्या करना है तो आपको एक बैकग्राउंड को लेना है। इस बैकग्राउंड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड मेरी जान आपको बैकग्राउंड को लेना है, उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके भगाओगे तो इसमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको एक एड फोटो का। तो सिंपली आपको क्या करना है तो एड फोटो वाला ऑप्शन को एक बार टैप करना, ठीक है। जैसे ही टैप करोगे तो आप सीधे आपके मोबाइल की गैलरी में आ जाओगे, तो अपने फोटो को ले लेंगे एंड अपने फोटो को ऐसे करके बड़ा कर लेंगे। ओके, बड़ा करने के बाद मेरी जन क्या करना है तो यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंड यहाँ पे सिंपली अब आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है पर्सनल। तो जैसे ही पर्सनल और ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे तो आपका बैकग्राउंड जो है एक क्लिक में कट आउट हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस बनेगा। तो ये जैसे ही पूरा होगा ऑटोमेटिक हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। आपको बहुत सारे आदमी बताते होंगे कि इरेज करके बैकग्राउंड को चेंज करो, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। तो अभी तक आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करो तो कल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो कमेंट करके बताना कैसा लगे। आप लोग उसी चैनल को सब्सक्राइब करते हो जिसके चैनल पर कुछ समझ नहीं आता, आप मैं इतना स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको यूट्यूब पर जल्दी कोई इतना आसानी से आपको एडिटिंग नहीं सिखाएगा। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो कैसा लगे कमेंट करके बताना। तो कुछ देर हम लोग इंतजार कर लेते हैं, देख पा रही है जैसे ही पूरा होगा ऑटोमेटिक हमारा बैकग्राउंड और रिमूव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा मतलब। एंड फ्रेंड्स आप देख पा रही हो जब पूरा होने वाला है तो पूरा होता है ऑटोमेटिक हमारा बैकग्राउंड कटआउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आपको क्या करना है तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपको अपने फोटो को अच्छा से बैठा लेना है इस प्रकार से एंड इरेजर का ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंड कहीं कहीं आपको कट जाएगा तो सिंपली आपको इस प्रकार से इसको ऐसे करके भर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद अब आपको क्या करना है तो मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ, तो ठीक है। उसके बाद आप देख पा रही अच्छा से नहीं कटा है तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे करके रिमूव कर लेंगे, आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। अच्छा से जूम कर करके कर लेना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है तो यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन मार के थोड़ा सा फोटो को अपने ऐसे करके चावला कर देंगे, ठीक है। एंड फोटो को अच्छा से बैठाने के बाद अपने फोटो के सेव वाला ऑप्शन मार कर अपने फोटो को सेव कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है इफेक्ट्स। तो सिंपली अगर सी बी इफेक्ट अपने कपड़ा पर डाला जाता है तो इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चले जाएंगे एंड इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड कल इस प्रकार का ही वीडियो अपलोड किया था इसमें नहीं समझ में आया तो उसको जाकर देखना। अगर हैप्पी न्यू ईयर पर फोटो एडिटिंग करना चाहता हूँ तो मैं लिंक दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर देख लेना मेरा वीडियो को। एंड उसके बाद यहाँ पर फेदर वन वाला ऑप्शन पर आपको एक बार टैप करना है, ठीक है। फेदर वन वाला जैसे ही ऑप्शन पर टैप करोगे तो आपको क्या करना है तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है मल्टीप्लाई करके इसको पूरा माइनस कर देंगे इरेजर का ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंड अपने फेस पर से क्या करेंगे फ्रेंड्स तो आपको इस प्रकार से अपने पूरे फेस पर से इसका इफेक्ट हटा देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जैसे मैं हटा रहा हूँ आपको पूरे फेस पर से अपना सिर्फ इफेक्ट इसका हटा देना है, आपको अपने बैकग्राउंड पर रहने देना है और ड्रेस पर रहने देना है, ठीक है। हमको सिर्फ ड्रेस पर चाहिए। तो उसके बाद अपने पूरे हैंड पर आपको इरेज कर लेना है, शरीर का जो भी पार्ट दिख रहा है उस पर इरेज कर लेना है। अगर आसानी से फेस स्मूथ सीखना चाहते तो उसका भी मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर देख लेना, ठीक है। एंड अपने पूरे सिर्फ फेस पर से इस प्रकार से हटा देंगे, ठीक है। शरीर का जो भी पार्ट दिख रहा है वहाँ से सिर्फ आपको इस प्रकार से इसको हटा लेना है। हटा लेने के बाद क्या करना है तो आपको यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन मार कर अपने फोटो को सेव कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको एड फोटो वाला ऑप्शन में चले जाना है एंड एक हेयर का पीएनजी को लेना। इस पीएनजी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग इस हेयर वाला पीएनजी को ले लेंगे एंड कुछ इस प्रकार से ऐड कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद अपने हेयर पर कुछ इस प्रकार से जूम करेंगे, ठीक है। एंड अपने हेयर के पास ऐसे करके बैठा देंगे। उसके बाद इरेजर का ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंड इसको ऐसे क्या करना है तो आपको इस प्रकार से ऐसे करके इसको हटा देना, ठीक है। एंड अपनी फोटो अच्छा से बैठा लेना ताकि ये लगे नहीं कि ये बैठाया हुआ है, ठीक है। आपको भी अच्छा से बैठा लेना है अच्छा तरह से, ठीक है। एंड उसके बाद थोड़ा सा ऐसे करके इसको नीचे कर देना है, ठीक है। अब उसको फिर से इरेजर का ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप देख पा रहे हो ये निकल गया है, तो सिंपली इसको आपको इरेज कर देना, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है तो ऐसे करके इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना है अच्छा तरह से। एंड उसके बाद अब आपको इसको सेव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन मार के यहाँ से हम लोग अपने फोटो को सेव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड वाला ऑप्शन मार के एंड सेव पीएनजी वाला ऑप्शन मार के अपने फोटो को सेव करें। एंड उसके बाद इस फोटो को आपको शेयर मारना है ऑटो डेस्क के अंदर, ठीक है। शेयर मारेंगे तो फ्रेंड्स ऑलरेडी फोटो आ जाएगा एंड यहाँ पर लाइब्रेरी वाला ऑप्शन में चले जाएंगे। एंड फ्रेंड्स का अगर वीडियो समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करके एक बार प्लीज बता देना, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पे 20 बरस को सिलेक्ट करना है एंड सेटिंग को देख लो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको सेटिंग को 4 और फॉलो को भी 4 रख लेना है, स्टेन को भी 4 और फॉलो कोई फोर एंड अपने उसके बाद अपने साइज को अपने हिसाब से रखना पड़ता है, ठीक है। तो आप अपने फोटो का करोगे अपने हिसाब से तो आपको पता चलेगा, ठीक है। एंड उसके बाद अपने पूरे फेस पर आपको क्या करना है तो इस ब्रश को चला लेना है। तो आप देख पा रहे हो ये पूरा फेस स्मूथ नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाई स्टेप, बस आप इस वीडियो को देखते जाओ, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। अगर किस टाइप का एडिटिंग सीखना चाहते हो ये भी कमेंट करके बताओगे तो मैं उस टाइप का आपको वीडियो बनाकर दे दूँगा। कहीं भी वीडियो में दिक्कत हो थोड़ा सा तो आप हमको मेरे को कमेंट करके एक बार प्लीज जरूर बता देना, ठीक है। एंड आपको यहाँ पर ऐसे करके अपने पूरे फेस पर चला लेना है इस ब्रश को, ठीक है। अगर चैनल पर नहीं हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने पूरे गर्दन के पास भी शरीर का जो भी पार्ट दिख रहा है उस जगह पर इसको सबसे पहले ब्रश को आपको स्टेप बाय स्टेप चला लेना है, ठीक है, ऐसे करके। एंड अपने गोड़ के पास भी जूम, हैंड के पास भी जूम करके इस प्रकार से कुछ ब्रश को चला लेंगे। तो एक फोटो को एडिट करने के लिए 3-4 एप्लीकेशन को यूज करना पड़ता है, तब जाके अच्छा से एक तरह से प्रोफेशनल तरीका से फोटो एडिटिंग होता है, ठीक है। एंड इस प्रकार से अपने पूरे फेस पर आपको चला लेना है, पूरे जूते को छोड़कर आपको पूरे अपने जगह पर चला लेना है। एंड फ्रेंड्स उसके बाद अपने हैंड पर भी चारों तरफ चला लेना, ठीक है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, तो फिर सिंपली फ्रेंड्स यहाँ से सेव ऑल ऑप्शन मार के अपने फोटो को सेव कर लेंगे, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स इस फोटो को आपको फिर से एक बार स्नैपशीट एप्लीकेशन में शेयर मारना है, एंड टूल वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंड इस ब्रश को सिलेक्ट करना है। एंड इस ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद 2 नंबर वाला ब्रश को आपको एक बार सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको 7 के पास में रख लेना, ठीक है। एंड अपने पूरे फेस पर जूम करके आपको इस प्रकार से ब्रश को चलाना है। तो इतना आसानी ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। एंड अपने पूरे फेस पर सबसे पहले तो क्या करना है, आपको अच्छा से फोटो को जूम कर करके जैसे मैं चला रहा हूँ आपको पूरे फेस पर आपको इस प्रकार से कलर चढ़ा लेना है, ठीक है। तो आपका फेस जो है ऑटोमेटिक व्हाइट हो जाएगा। तो इतना सिंपल ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अगर जो वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं ना, वो भाई आप बहुत ही आसानी से स्टेप का एडिटिंग सीख गए होंगे, ठीक है। तो आपको भी इस प्रकार से अपने पूरे फेस पर आपको क्या करना है, तो जैसे मैं चला रहा हूँ आपको भी अपने पूरे जगह पर जहाँ जो भी शरीर का पार्ट दिख रहा है उस जगह पर आपको चलाकर अपने फेस को व्हाइट कर लेना है, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी इस प्रकार से। उसके बाद मैं आपको अपना फोटो को दिखा रहा हूँ कितना बढ़िया फोटो एडिटिंग हो चुका है। उसके बाद देखो ये फोटो कितना बढ़िया से एडिटिंग हो चुका है। अगर कहीं लाइट कम है, अगर आपके फेस पर लाइट कम है, तो फिर से टूल्स वाला ऑप्शन में चले जाना है, एंड सेलेक्टिवल ऑप्शन को टैप करके एंड सबसे ज़्यादा जहाँ ब्लैक दिख रहा है उसको इस जगह पर ऐसे करके ले जाना है। एंड अपने लाइट को क्या करना है, तो फ्रेंड्स आपको ऐसे करके अपने पूरे लाइट को ऐसे करके थोड़ा सा छोटा कर लेना है। एंड उसके बाद ऐसे करके ब्राइटनेस को सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ाओगे तो आपका देख पाओगे पूरा लाइट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख पाओगे कितना आसानी से फोटो एडिटिंग बन चुका है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। तो इस टाइप की एडिटिंग देखने में चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर डन वाला ऑप्शन आपको फोटो को सेव कर लेना।